बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। रास्को न्यूज़ से मैं हूँ आपका होस्ट अहसन चीमा। नाज़रीन, अवामी फलाही इदारे माशरे में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। माशरे में जब भी कोई मुश्किल आन पड़ती है या हुकूमत अवामी फलाह व बहबूद के मामलात को नज़रअंदाज करे तो यही फलाही इदारे माशरे में बसने वाले लोगों का सहारा बनते हैं। ये फलाही इदारे या तंजीमें माशरे का हुसन होती हैं। बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर कहते हैं कि इंसान ज़िंदगी की कामयाबी उस वक़्त तक हासिल नहीं हो सकती जब तक वो खिदमत खलक को अपना शार नहीं बना लेता। तारीख़ की अवल इन दास्तानों से लेकर आज के मौजूदा दौर तक ऐसे कई इदारे या शख्सियात हैं जो हुकूमत वक्त का सहारा बनती हैं और अवामुन्नास की ज़रूरियात, मसाइल, मुश्किलात और तकालीफ को मद्देनज़र रखते हुए उनके लिए वसाइल पैदा करती हैं। नाज़रीन, आज मैं अरसा 26 साल से थैलासीमिया, हेमोफीलिया और खून की दीगर बीमारियों का मुफ्त इलाज करने वाले बाएतमाद और मारूफ इदारे सुंदस फाउंडेशन में मौजूद हूँ। नाज़रीन, बताता चलूँ कि सुंदस फाउंडेशन में ना सिर्फ मरीजों का मुफ्त इलाज मुआलजा होता है बल्कि जदीद तरीन आलात, मशीनों और इंस्ट्रूमेंट्स पर मबनी बैनुल अक़वामी मियार की लेबार्ट्री भी बिला तौक़ुफ़ इंसानी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। नाज़रीन, मैं ऐनी शाहिद हूँ कि सुंदस फाउंडेशन के लिए हर सुबह एक नया चैलेंज लेकर तलू होता है और हर शाम को बहुत सारे मसाइल के साथ गरूब होती है, लेकिन इसके बावजूद सुंदस फाउंडेशन ने अरसा 26 साल से बेहतरीन खिदमात सर अंजाम दी हैं। ये कोई करामत है या गैर मामूली सलाहतों के मालिक एडमिनिस्ट्रेशन का कमाल? तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुंदस फाउंडेशन के एडमिन मैनेजर गुलाम नबी अंसारी। आइए इन्हीं की जुबानी तमाम अहवाल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। ज़रा बताइएगा हमें सुंदस फाउंडेशन के हवाले से। ये सुंदस फाउंडेशन 98 के अंदर वजूद में आई। सुंदस थैलासीमिया, सुंदस जो हमारी बच्ची है थैलासीमिया की पेशेंट थी, हाजी सरफराज साहब उनके वालिद, ये 93 से लेके 98 तक उनको लाहौर लेके जाते रहे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, फातिमा फाउंडेशन से ब्लड लगवाते रहे। तो वहाँ जब भी जाते कोई ना कोई मसला, कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसे मसाइल होते कि जो लोगों के ये देखते, जो इनके वस इख्तियार के अंदर होता लोगों के मसले मसाइल हल कर देते और जो इनके वस इख्तियार के अंदर नहीं था तो वो कोशिश करते। तो वहाँ पर जब 5 साल तक मुसलसल बच्ची को वहाँ पर हालात देखे कि दूर दराज से बच्चे आते हैं, एक इदारा है, एक इदारे के ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है, तो इन्होंने मुख्तलिफ वाक़ियात को मद्देनज़र रखते और दिल के अंदर ठानी कि मैं अपने गुजरांवाला के अंदर अपनी बेटी के नाम के ऊपर एक इदारा बनाऊंगा जो थैलासीमिया बच्चों की मदद करे। तो ये 1 जनवरी रमज़ान में इदारे की इब्तिदा की गई। तो अब तक तकरीबन जो हमारी लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सियालकोट, हाफसाबाद, गुजरात, ये तकरीबन पंजाब के जो मेजर सिटीज़ हैं सुंदस फाउंडेशन की ब्रांचें वहाँ पर मौजूद हैं। तो ओवरऑल जो हम पूरे पाकिस्तान के अंदर थैलासीमिया के बच्चों की तादाद देखें तो हमारे इदारे के अंदर तकरीबन 6 से 7 हज़ार थैलासीमिया के बच्चे रजिस्टर्ड हैं। और गुजरांवाला की अगर हम बात करें, जिस छत के नीचे हम यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ तकरीबन 2 हज़ार के करीब थैलासीमिया बच्चे हैं। एक बच्चे को अगर 1 महीने के अंदर हम एक दफ़ा ब्लड की ट्रांसफ्यूजन देते हैं तो हमें एक गुजरांवाला सेंटर के, गुजरांवाला सिटी के अंदर अंदर से तकरीबन 4 हज़ार ब्लड बैग पर मंथ चाहिए होते हैं। तो ये कोई इतना आसान काम नहीं। मैं समझता हूँ कि ब्लड की कलेक्शन करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। आप किसी से पैसा तो मांग लेंगे, आप किसी से कोई और मेडिसिन के हवाले से किसी का रिक्वेस्ट कर लेंगे, लेकिन जब आपने किसी से खून की मांगना है तो इसके लिए आपके अंदर बहुत बड़ा दिल होना चाहिए, बहुत बड़ा जिगरा होना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है कि आप जब किसी जानने वाले से खून का अतिया लेते हैं तो खून वो आपको जब अतिया कर दे तो उसका एहसान इतना होता है कि सारी ज़िंदगी जो है कि आपको निगाहें उसके सामने झुकानी पड़ती हैं। तो ये जो थैलासीमिया के बच्चे हैं, ये बेचारे तो जब पैदा होकर माँ के पेट से दुनिया के ऊपर आते हैं तो इनको ब्लड 3 महीने पहले 3 जिंदगी के माँ उस ब्लड पे गुजारते हैं जो माँ के पेट से लेके आते हैं, और बाकी सारी ज़िंदगी अल्लाह करे आने वाले वक्त के अंदर इसका कोई इलाज निकल है। एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट इलाज है जो कि बहुत ज़्यादा महंगा और पाकिस्तान के अंदर उसके कामयाबी के चांसेस 50% है, लेकिन अल्लाह करे इससे भी कोई आसान स्टेम सेल्स के नाम से आ रहा है कोई इलाज, अल्लाह करे कोई कामयाब इलाज। तब जब तक इलाज नहीं है तब तक इन बच्चों को हम हर 15 दिन बाद ब्लड लगा के ही इनकी लाइफ जो है ना, एक बैग लगता है तो आगे 15 दिन इनकी ज़िंदगी के बढ़ जाते हैं। जैसे हमने खाना खाना है तो ज़िंदा रहना है, इन बच्चों ने खाने के साथ साथ हर 15 दिन के बाद खून का एक बैग लगना है तो ज़िंदा रहना है।
अब ये ब्लड कलेक्शन के हवाले से अगर हम बात करें तो इसमें कॉलेज के स्टूडेंट का बहुत बड़ा रोल है। हमें कॉलेज के स्टूडेंट ब्लड का अतिया करते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट से हट के पुलिस वाले हैं, पुलिस वालों का बहुत ज़्यादा रोल है, दावत इस्लामी है उनका बहुत ज़्यादा रोल है, मुख्तलिफ फैक्ट्रीज वाले हैं वो वक्तन फ़क्तन अपनी फैक्ट्री से मजदूरों से रिक्वेस्ट करके ब्लड का अतिया कराते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि इतनी ब्लड की कलेक्शन करना कोई इतना आसान काम नहीं है। आज अगर हम अपनी जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रूम है वहाँ पर का विजिट करें तो कम से कम 60 बच्चों को आज की डेट के अंदर ब्लड लगा हुआ है, कम से कम 60 पेशेंट है। अगर इतने बैग अगर मंथली हम एवरेज देखें तो तकरीबन जो है ना हमारे 40 पेशेंट है, कभी ज़्यादा कभी कम करके तो 40 पेशेंट को हम ट्रांसफ्यूजन दे रहे हैं। तकरीबन 1200 जैसे कि 1200 से 1500 पेशेंट को हम ट्रांसफ्यूजन दे सकते हैं, और बाकी ये कि इतने कुछ वसैल कम है, कुछ ब्लड की कलेक्शन कम है, तो इसमें जब तक लोग बाकी माशरा सारा भी रोल नहीं हमारा साथ नहीं देगा, कोई और वसैल जनरेट ब्लड कलेक्शन के कोई और लोग आगे नहीं आएंगे, तो ये बाकी जो ऊपर वाले कुछ पेशेंट सफ़र कर जाते हैं जिनको एक महीने के अंदर उनकी डोज पूरी नहीं की जा सकती, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा हमें। तब ये माशरे के अंदर कोई जो भी ब्लड का अतिया कर सकता है वो ये ना सोचे कि अगर मेरी फैमिली के अंदर ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ब्लड का अतिया करूँगा, वो ये हर 3 माह के बाद ब्लड का अतिया कर सकते हैं। ठीक है, वो इन बच्चों को भी अपना बच्चा समझते हुए आप वो बगैर इस उम्मीद पर रखे वो यही रखे कि अगर मैं किसी के लिए ब्लड का अतिया कर रहा हूँ तो अल्लाह की ज़ात मेरी फैमिली के अंदर कभी ज़रूरत ही ना डाले। ऐसे लोग हैं कि जो इस तरफ से नीयत से ब्लड डोनेट ही करते हैं, अगर मेरी फैमिली में ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं दूँगा वरना मुझे क्या ज़रूरत है। ठीक है, ये बच्चे अगर उनके कुछ नहीं लगते तो ये हमारे भी कुछ नहीं लगते हैं, लेकिन एज ए इंसान एक अगर इंसान और जानवरों के अंदर फ़र्क भी यही है कि चिड़िया एक अपने सुबह घोंसले से निकलती है तो अपने पोट के लिए कहीं ना कहीं से दाना तुनका उठा के अपने अपने पोट के अंदर वो अपने जो उसका है उस डाल देती है, लेकिन एज ए इंसान हमें इससे हट के अपने घर के सोचने के बजाय इन बच्चों को सोचना चाहिए। और ये सुंदस फाउंडेशन जो इदारा है ना ये कोई मजहबी इदारा है, ना ये कोई सियासी इदारा है, ना ये कोई इसमें किसी मसलक के बगैर किसी मजहब के बगैर किसी भी कोई जात का किसी बरदरी का कोई पेशेंट आता है तो कभी ये तफरीक नहीं की जा सकती कि इसका मसलक ये है, इसका मजहब ये है, इसकी ये इस पार्टी का है, तो ये कभी भी यहाँ पे तफरीक नहीं की जा सकती। तो हम अपने डोनर्स के भी यही देखेंगे कि कोई डोनर भी हम जो हमें सपोर्ट करता है हम ये नहीं कहेंगे कि वो भी ज़ात बरदरी को देख के सपोर्ट करे, अपनी फैमिली को देख के, बल्कि हर एक को आगे बढ़ के इस इदारे के साथ तावन करना चाहिए। क्योंकि ये एक या दो बंदे तीन बंदे हम कहें कि जी सरफराज साहब ने शुरू कर दिया है हमारे साथ वो ही काफ़ी हैं, वो मिल के इसको चला लेंगे, जो एक या दो बंदों के चलाने में काम करने वाला नहीं है, ये पूरे माशरे के लिए पूरा माशरा इसमें शामिल होगा, एक चेन बनेगी तो ये काम चलेगा। जो ब्लड का अतिया कर सकते हैं वो ब्लड का अतिया करेंगे, और जो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट जो मेडिसिन परचेज करने के लिए, खाली ब्लड बैग परचेज करने के लिए, लैब के केमिकल परचेज करने के लिए जो हमें ब्लड दे सकते हैं वो ब्लड अतिया करें, और जो फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं वो फाइनेंशियली हेल्प करेंगे तो ये इदारा चलेगा। अच्छा, ये बताइएगा कि अदारे को चलाने के लिए आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? जी, ये देखिए जिस तरह आपने पहले इदारे अपनी बात करते हुए एक बात की कि ये कोई मौजज़ा है जो इस इदारे को चला रहा है या कोई अच्छी मैनेजमेंट है कि ये इदारा चल रहा है, वरना ये आम हालात के अंदर इस तरह का इतना मुश्किल काम मुमकिन नहीं है कि एक इतनी देर तक जारी रह सके। अगर हम मसाइल की बात करें तो सबसे पहले तो बड़ा मसला यही है कि ब्लड कलेक्शन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर किसी का हम ब्लड ले लेते हैं, कॉलेज के अंदर ब्लड कैंप लगाया है, हम वहाँ पर ब्लड की कलेक्शन की है, तो हमें वहाँ पे इतने मसाइल फेस करने पड़ते हैं कि उनके वो जज्बात के अंदर आके जो बच्चे है यंग खून है यंग ब्लड है वो ब्लड का अतिया तो कर देता है, लेकिन जब उनके वालदैन तक बात जाती है तो वो हमारे ऊपर केस तक कर देते हैं, वो हमें बहुत थ्रेड तक करते हैं। तो ब्लड कलेक्शन बहुत बहुत बड़ा इशू है कि इतना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। अगर उससे हट के हम अपने फाइनेंशियली मसाइल के ऊपर हैं तो अगर सिर्फ 4 या 5 माह पहले चले जाएं तो हमारा जो एक खाली ब्लड बैग है वो सिर्फ 455 रुपए का था जो 840 रुपए का हो गया है। एक बच्चों को ये निडल लगती है, सुई लगती है, वो सुई 120 रुपए की आ रही थी जो वो 350 रुपए चली गई है। इस तरह लेबॉरेटरी के जितने केमिकल हैं वो केमिकल कम से कम 55% हर केमिकल के अंदर इंक्रीज हो गया है। बिजली के बिल हैं वो सारी आवाम जानती है कि बिजली के बिल अब से 4-5 माह पहले का क्या थे और आज वो बिल कहाँ पे है। जो हमारा बिल 2 लाख पे आ रहा था वो 5 लाख से ऊपर चला गया है। इस तरह जो हमारी बाकी मसले मसाइल हैं, गाड़ियाँ हमारी
हम ब्लड कलेक्शन के लिए टीम जाती है, मार्केटिंग के लिए टीमें जाती हैं, तो पेट्रोल का हर बंदे को पता है कि चंद माह पहले पेट्रोल की क्या प्राइसेस थी। आप मुख्तसर अगर मैं बात करूं तो ये इदारा जो हमारा मंथली एक सुंदस फाउंडेशन सिर्फ गुजरांवाला की एक ब्रांच की अगर मैं बात करूँ तो जो 35 लाख रुपए पर मंथ एक्सपेंस हमारे आ रहे थे वो हमारे 50 लाख से ऊपर चले गए हैं। और लोगों के हालात ये हैं कि जो हमें डोनर यहाँ पे पेशेंट को थोड़ी बहुत मदद इदारे की कर सकता था वो इतने हालात में चला गया है को 500,000 अगर पर विजिट अगर को पेशेंट देता था तो वो भी आके रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरे हालात ऐसे नहीं कि मैं ये नहीं दे सकता। और जो हमें सपोर्ट करनी है कि अगर आवाम खुशहाल है, लोगों के काम बिजनेस अच्छे हैं, लोगों के काम अच्छे चल रहे हैं, वो इस इदारे को सपोर्ट करेंगे। लेकिन अब फैक्ट्रियां देखें तो वो अपने मजदूरों को फर्क कर रहे हैं। मास्टर टाइल बहुत बड़ा ग्रुप है, 1998 से लेके हमें ब्लड वो 20,000 पर मंथ, एक मंथ भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने नागा किया हो, उन्होंने डोनेशन ना दी हो। लेकिन आज हालात ये हैं कि पिछले 6 माह से उन्होंने भी माजरत कर ली है कि जी हम अब ये 20,000 भी नहीं दे सकते। मास्टर टाइल जैसे इदारे अगर उन्होंने माजरत कर ली है तो बाकी लोगों को बिल देने मुश्किल है, लोग अपने मुलाजमीन को फर्क कर रहे हैं, लोगों के मुलाजमीन की सैलरी देना, अब वो खुशहाल नहीं होंगे तो इदारे को फंड नहीं देगा। अब इदारे की फंडिंग है जो हमें पहले कुछ ज़्यादा थी वो बहुत कमी की तरफ चली गई है, और जो हमारे एक्सपेंस थे बहुत कम थे वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो इन हालात के अंदर भी मैं कहता हूँ कि ये इदारा जो चल रहा है बाकी ही 101% मैं ये कहने पे मजबूर हूँ। मैं मुझे तकरीबन 22 साल हो गए इस इदारे में इन बच्चों की खिदमत करते हुए, और मैं कहता हूँ कि मैंने 22 सालों के अंदर कोई एक दिन भी ऐसा नहीं देखा जिसमें कोई मौजज़ा ना देखा हो। ये इदारा ना किसी इंसान की बस के इख्तियार है, ये अल्लाह की ज़ात ही है, कोई ना कोई मौजज़ा होता है और ये हमारा एक दिन गुजर जाता है। तो ये जो मसाइल हैं इनसे ऊपर बात करें तो ये बहुत ज़्यादा मसाइल है, लेकिन हम ये समझते कि ये अल्लाह के काम है और इंशाल्लाह कोई ना कोई अल्लाह ही सबब पैदा करता है और ये इदारा चले जाए जा रहा है। सुनी बातें और देखी बातें के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हमारी मार्केट के अंदर अगर हम सर्वे करें तो पता चलेगा कि तकरीबन 90% लोग सुंदस फाउंडेशन को, कोई कहेगा वहाँ पर ब्लड सेल होता है, कोई कहेगा कि उन्होंने खाने का जरिया बनाया हुआ है, कोई फ्रॉड हो जा रहा है। लेकिन एक ये बड़ी मैं ना दिल के अंदर से ये मैं पुरजोर एक अपील करना चाहूँगा कि लोगों की सुनी सुनाई बातों के ऊपर ना जाएं। ये इदारा आपके गुजरांवाला के अंदर है, जिना रोड मॉडल टाउन कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने है। एक दफ़ा सिर्फ गेट क्रॉस करके अंदर आप आके विजिट ज़रूर करें, फिर आपका राइट है कि आप जो मर्जी ये बातें करें, मार्केट के अंदर सुंदस फाउंडेशन का साथ दें ना दें, लेकिन एक दफ़ा अंदर के हालात, इन बच्चों की अयादत, जो कि इस्लाम के अंदर वैसे भी किसी मरीज़ की अयादत करना बहुत नेकी का काम है, तो ये मैं एक बड़ी पुरजोर और दिल से अपील करना चाहूँगा कि जो भी कोई मैसेज सुन रहा है वो अपने कीमती टाइम में से ज़रूर थोड़ा सा टाइम निकाल के इन बच्चों की अयादत के लिए आए, हमारी लेबॉरेटरी का विज़िट करें, हमारे इक्विपमेंट देखे कि हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर का और जो लैब में इक्विपमेंट दिए हुए हैं, हम किस तरीके से इन बच्चों की खिदमत कर रहे हैं। तो अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाल के ज़रूर इन बच्चों की इजाज़त के लिए एक दफ़ा तशरीफ़ लेते हैं। जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। नाज़रीन, मेरी संजीदगी का सिर्फ यही आलम है कि मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप सुंदस फाउंडेशन को ज़रूर विज़िट करें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। दोबारा मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।